नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ऐलानाबाद से गोविंद कांडा हो सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार, और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में गोविंद कांडा ने आवेदन दिया है। प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर मंथन भी किया गया। ऐसे में प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया, और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर ऐलानाबाद से गोविंद कांडा बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं, तो ये बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है बीजेपी की तरफ से। गोविंद कांडा का नाम सामने आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलानाबाद उपचुनाव में उम्मीदवारी कर सकते हैं। दिल्ली में गोविंद कांडा ने आवेदन दिया है। प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष उनके आवेदन की प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर इस दौरान मंथन भी किया गया। तो लगातार उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है तमाम राजनीतिक दलों के बीच में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोविंद कांडा ऐलानाबाद उपचुनाव के रण में उतरेंगे, तो वहीं उन्होंने दिल्ली में इसको लेकर आवेदन भी दिया है। तो उसको लेकर काफी देर तक मंथन भी हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली में गोविंद कांडा पहुंचे और उन्होंने इसको लेकर आवेदन दिया। प्रदेशाध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे। इन सब के बीच काफी देर तक ऐलानाबाद उपचुनावों को लेकर मंथन भी हुआ। तो बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी आवेदन के दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में गोविंद कांडा पहुंचे, आवेदन उन्होंने दिया, प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष उस दौरान मौजूद रहे। साथ ही ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर काफी देर तक मंथन भी किया गया। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। ऐलानाबाद उपचुनावों को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तमाम राजनीतिक दलों द्वारा इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अध्यक्ष मोदी जी से और परवारी जी से मिला नहीं था मैंने, अभी पीछे ही 3 तारीख को बीजेपी ज्वाइन की थी और चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। आज मैं उनसे, मैंने कल रात टाइम मांगा था, आज उन्होंने मुझे टाइम दिया था और आज मैं उनसे मिला हूँ। मेरी मुलाकात बहुत अच्छी हुई है, दोनों से हमारी बातचीत भी हुई है और मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इसका रिजल्ट तो वो बताएंगे, लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए उन्होंने नहीं, आज तो हमारी अच्छी मुलाकात हुई है और उस हमारे परिवार के बारे में उन्होंने जाना चाहा था वो, और उन सारा वो चीजें हुई है। देखिए किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, लेकिन सभी बातें बातचीत से हल होती है और बातचीत से हल हो जाएगी। ऐसा हमारे भारतवर्ष में कुछ नहीं है, हमारे भारतवर्ष में सभी बातें बातचीत से हल होती है। और उन्होंने एक स्टंट बनाया था, राजनीतिक स्टंट था, ना कि उन्होंने किसानों के पीछे उन्होंने त्याग पत्र दिया था। अब अगर उन्होंने त्याग पत्र दिया था तो अभी किसानों का मुद्दा हल नहीं हुआ, तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से ही ये पूछना चाहती हूँ कि जो विधायक वहाँ पर थे उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दिया, और जिस बात को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या वस्तु स्थिति में कोई अंतर है? जब वस्तु स्थिति में कोई अंतर ही नहीं है तो वो दोबारा चुनाव मैदान में किस तरह से उतर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई जवाब जो है वो जनता को दे पाएंगे। और हम लोग जो है विकास के मुद्दे को लेकर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में जो काम हुए हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे इलाके में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता विकास के साथ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है हमारा जेजेपी का गठबंधन के साथ जो कैंडिडेट होगा उसको जो है वहां से जीत दिलवाएगी। तो सुना आपने, क्या कुछ कहना है यहाँ पर ऐलानाबाद में? आपको बता दें उपचुनावों को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार गोविंद कांडा हो सकते हैं, उन्होंने दिल्ली में पहुंचकर आवेदन दिया, और आवेदन देने के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। दीपक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, सरगर्मियां लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, इन सबके बीच अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार गोविंद कांडा। जी बिल्कुल, अगर बात करें गोविंद कांडा जो कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं गोविंद कांडा, और उन्होंने 2 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन करी, और आज अगर बात करें तो वो दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। भाजपा मुख्यालय में जहां प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से मुलाकात करी, प्रदेश भाजपा के प्रभारी से मुलाकात करी, उनके साथ साथ हालांकि चिंता के साथ साथ दुग्गल जो है वो भी मौजूद रही थी। अब जहां तक बात करें उम्मीदवार को लेकर, ये ना कि तय माना जा रहा है कि जो है गोविंद कांडा जो है हो सकते हैं बीजेपी के, क्योंकि एक अच्छा रसूख चिंता के अंदर लिखा है। गोपाल कांडा के ये भाई है, गोपाल कांडा जो की निर्दलीय विधायक है, पूर्व में अगर बात करें कांग्रेस सरकार में वो मंत्री भी रहे थे, उस समय भी निर्दलीय विधायक थे, गृहमंत्री रहे थे हरियाणा के, तो गोपाल कांडा उनके भाई है गोविंद कांडा, और उन्होंने बहुत पहले बीजेपी ज्वाइन करी। ऐसे में ऐलानाबाद का जो चुनाव
काम है, इसको लेकर के अभी चौटाला के सामने कैसा कहेंगे तो उसको लेकर के यहाँ अगर बात की जाए तो गोविंद कांटा जो है वो आज विकेट ऑफिस पहुंचे थे। हालांकि तय माना जा रहा है लेकिन अभी अंतिम मोहर नहीं लगी और अंतिम मोहर को लेकर आज शाम को प्रदेश अगर आज शाम को बात करें तो भाजपा चुनाव समिति की बैठक भी है और इसके बाद कल शाम तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है क्योंकि 7 तारीख को नामांकन जो है वो भरा जाएगा बीजेपी उम्मीदवार का। जी बहुत शुक्रिया दीपक शर्मा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि सहयोगी ने बताया कि यहाँ पर नामांकन भी जल्दी भरा जाएगा लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जहाँ पर दिल्ली में गोविंद कांडा पहुंचे उन्होंने अपना आवेदन दिया।